नमस्कार। कुंभ राशि इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि इसलिए बनी हुई है क्योंकि विश्व में चर्चा का विषय सिर्फ कुंभ है। कुंभ का घड़ा भर रहा है पैसे से भी, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद। अब जो लोगों ने विवाद का विषय बनाया कि कुंभ राशि पर शनि वक्री हुआ, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही हुआ है, इसके एक्शन प्रभाव तथा आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई तक क्या सावधानियां रखनी है, कौन सा ग्रह आपके लिए वरदान बना हुआ है या कौन कष्ट देगा, और इस महीने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो अलर्ट डेट है उनको जरूर नोट कर लें आप। ये तारीखें आपको ये बताएंगी कि उस दिन कोई रिस्क वाला काम आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए, 12, 13 जुलाई आपको वाहन नहीं चलाना है तेज, किसी से लड़ना नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 और 13 तारीख को ही आपके घर में चतुर्थ भाव में मंगल का प्रवेश होगा, तो पुलिस केस, झगड़ा, अशांति, तनाव, माता के लिए कष्ट, आपका वाहन खराब हो सकता है, गाड़ी, स्कूटर, कार, बिना बात के रगड़े, झगड़े और लफड़े, इनसे बचें। किसी के बीच में इंटरफियर ना करें, कोई दो आदमी लड़ रहे हैं, यू शुड अवॉइड दिस सिचुएशन। बिना बात का कोई भी पंगा नहीं लेना है। 12, 13 जुलाई, 21, 22 जुलाई, 29, 30 और 31 जुलाई, ये जो तारीखें हैं ये आपके लिए शुभ नहीं है। इसमें आपके छठे स्थान में का जो स्वामी चंद्रमा है, कुछ लोग, अभी बरसात का समय है, पानी में डूबने की बहुत घटनाएं, अभी यूपी में हाल ही में भगदड़ वाला जो कांड हुआ है, ये सब बातें, क्योंकि 13 दिन का जो पक्ष है ये 5 तारीख तक पूरे विश्व के लिए कष्टकारक माना जाता है। इस पर वीडियो हम बना चुके हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में चल रहे 12 तारीख के बाद जो दो ग्रहों की युति होगी, बृहस्पति और मंगल केंद्र में आ जाएंगे, और ये स्वामी कहां कहां के हैं, आपके इनकम हाउस और संचित धन, जहां आपका बैंक बैलेंस है, दोनों आपके कारक भाव। कारक भाव कौन सा है आपका? तीसरे भाव पराक्रम और दशम भाव, जहां 8 नंबर लिखा है, राजकीय मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का स्थान है वो, उसको ये दोनों ग्रह सीधे 180 डिग्री पर देखेंगे। परंतु यहां बात करेंगे हम अष्टम स्थान पर बैठे हुए केतु की, उस पर गुरु की दृष्टि तो होगी, लेकिन आपके दूसरे भाव में बैठे हुए राहु, जिस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शनि का जो प्रभाव है वो कुंभ लगन, कुंभ राशि पर वक्री हो चुका है, तो 12th हाउस का भी परिणाम देगा। अचानक खर्चे, अचानक आपकी भागदौड़, अचानक विदेश यात्रा, वीजा से लेकर के और विदेश गमन, पासपोर्ट से संबंधित समस्याएं, और किन कर्तव्य विमूढ़ होना, यानी कि आपको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, यह आपको अनिश्चितता, एंग्जाइटी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केतु अष्टम और बुद्धि स्थान का स्वामी आपका छठे चला जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बना करके शुक्र और बुध दोनों ही आपके छठे भाव में होंगे, जो वहां शुभत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि ये आपका जो भाग्य स्थान का स्वामी है, बस इस पॉइंट को नोट कीजिए,
इस पर फोकस कीजिए। अब जो मैं बता रहा हूं, 7 जुलाई को शुक्र का अभ्युदय होगा, जो अस्त ग्रह है वो उदय हो जाएगा। यानी कि शुक्र तो उदय हो ही रहा है, आपका भाग्य उदय हो रहा है, सुख का उदय हो रहा है, शुक्र ही सुख है और चतुर्थ भाव है आपका सुख। सुख की राशि क्या है? वृषभ, उसका स्वामी शुक्र, तो सुख का अभ्युदय आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, ज्ञान होगा, बुद्धि विवेक की पराकाष्ठा, सम्मान, ज्ञान, चारों तरफ से आपकी खुशियां, नई सूचनाएं, शुभत्व दे रहा है, क्योंकि केंद्र में 2 ग्रह बैठ गए और वो आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। भले ही शनि 12th हाउस पर अपना प्रभाव डाले, लेकिन खर्च आप करोगे तो उसका रिटर्न अभी नहीं आएगा, जो इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं आएगा, धोखेबाजी, फ्रॉड, व्यर्थ के खर्चे, ऐसे खर्चे हो रहे हैं। जो बंदा शेयर मार्केट में, सट्टे में, जुए में पैसा लगा रहा है, जुए में हारा हुआ पैसा कभी वापस आता है क्या? नहीं आता। तो आपको जो अलर्ट डेट दी गई है, उन उन सचेत रहने वाली तारीखों में आप ऐसा एक्शन ना लें जिससे आपको लॉस हो, क्योंकि जब मनुष्य को पता होता है कि मेरा समय ठीक नहीं है, तो उसी तारीख को मना करते करते भी आदमी हानि पर हानि हो जाती है। आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है, उस दुखती हुई चोट में दोबारा अगर वो कहीं टच हो जाए वो चोट, तो अधिक कष्ट होता है, चोट में चोट लगना। तो ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ लोगों को एग्जाम्पल पसंद नहीं, बोले नहीं राशि की बात बताओ आप, सिर्फ एग्जाम्पल कहानी मत सुनाओ, वही कहानी आपके जीवन को पता नहीं कब बदल देगी। आप लोग नहीं समझते, और ये कमेंट वो लोग करते हैं जिनको अपने जीवन से प्यार नहीं है, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, या अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारा गिलास तो भरा हुआ है ज्ञान से। बस इस संसार में जो अपने आप को ये कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, वही आदमी छोटा है, और जो ये कहता है मैं बहुत छोटा आदमी, बस वही बड़ा है, उसकी महानता है। तो हम वो एग्जाम्पल अभी नहीं बता पा रहे हैं आपको, क्योंकि समय को देखते हुए आप लोगों को पसंद नहीं आती बात, तो हम वो बात नहीं करते। हम क्यों जबरदस्ती ज्ञान दें किसी को? समय नहीं है आपके पास सुनने का, तो हमारे पास बताने का समय नहीं है। अब महादशाओं की बात कर लेते हैं। धनिष्ठा शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद के शुरू के 3 चरण उनकी कुंभ राशि है, उनकी महादशाओं पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, आप ध्यान से सुनिए। धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उसका स्वामी मंगल होता है धनिष्ठा का, तो उनके राहु की जो दशा है वो कष्टकारक बनी रहती है, लगभग 21 साल की उम्र से पहले ही उनकी ये दशा समाप्त हो जाती है राहु की, वो कष्ट देती है। डिपेंड करता है किस हाउस में बैठा है, अगर लगन में बैठा है तो वो मनुष्य को इतना चतुर, होशियार, सेल्फ डिपेंड बनाता है। बृहस्पति की दशा 16 साल तक वरदान बनती है, 37 ईयर ऑफ एज, 37 साल की उम्र तक हर चीज शुभ, लेकिन असली सुख के पल और आनंद तो आपको अब मिलेंगे। 37 से लेकर 56 साल की एज तक शनि की महादशा में आप वरदान, आपको वरदान मिलता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, मैटीरियलिस्टिक चीजें, गाड़ियां, वैभवपूर्ण जीवन, नौकर चाकर, आप एक डॉन की तरह से चलते हैं, जहर डॉन चलता है, मोटा शरीर, रोगीला चेहरा, आवाज बड़ी कड़क,
हाँ बोलिए क्या बात है, ऐसे अकड़ करके बात करता है आदमी, उसका नाम होता है दूर दूर तक, लोग उसका अनुकरण अनुसरण करते हैं, सम्मान देते हैं और फीता काटने के लिए उस आदमी को बुलाया जाता है, रेस्पेक्ट मिलती है। आप अपनी कुंडली देख लेना, अब जो बाकी दशाएं शनि बुध केतु सब शुभ और धनी स्था के बाद आता है सतभिषा, सतभिषा आर्द्रा और स्वाति, इन तीनों का स्वामी एक है। आर्द्रा स्वाति सतभिषा तीनों का स्वामी राहु है और राहु बीच में जीवन में अप्रत्याशित अचानक बहुत बड़े बदलाव ला देता है, बड़ी बड़ी संपदाएं प्राप्त कर लेता है जो सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अगर राहु और गुरु का चांडाल योग बना है सतभिषा वालों का, तो दुख भी झेलने पड़ते हैं, जंगलों की खाक छाननी पड़ती है कई बार, और राहु की दशा बाल्यावस्था में कष्टकारक होती है, घर छोड़ के बाहर भागना पड़ता है, अति गंड योग हो तो और भी कष्टकारक, लेकिन बृहस्पति की दशा इनको धर्म कर्म ज्ञान की तरफ धकेल देती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त होता है। बृहस्पति की दशा के बाद शनि, शनि इनको राजा बना देता है, बड़ा चेहरा, मद मस्त, हाथी की चाल से चलता है, अच्छा रोबीला स्वभाव, बड़े अच्छे माला मती मणि मोती आभूषण, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनके नाम हम नहीं जानते, स्कॉर्पियो BMW और डी पता नहीं क्या क्या नाम है। और अब हम बात करेंगे शनि के बाद बुध केतु शुक्र सारी दशाएं इनको जीवन भर मिलती है, लेकिन दो रोग एंग्जाइटी तनाव चिंता, रात को नींद नहीं आती, ऐसा बहुत होता है, संभालना मुश्किल, और साथ ही साथ पेट का रोग और शुगर की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। डरना नहीं है, अगर जिनको ऐसा है तो वो प्रिकॉशन ले और अपना ध्यान रखें। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात कर लेते हैं, इनकी कुंडली में लगभग जब बाल्यावस्था में 16 साल से कम बृहस्पति की दशा रहती है, फिर 19 साल शनि इनको वरदान देता है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है, बृहस्पति इसके स्वामी है और 19 साल शनि इनको वरदान देता है। डिपेंड करता है आपका लगन और मंगल कहाँ है, राहु कहाँ है, लेकिन ये तो निश्चित है कि शनि 19 साल इनको स्टेबल रेस्पेक्टेड बना देता है, विदेश यात्रा भी करवाता है तथा पैरों में दर्द, चोट, हड्डी से संबंधित बीमारी और बुध की महादशा कष्टकारक मानी जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी का, मोटापा भी बढ़ता है, तो आप अपने फैट को अगर ऐसी पोजीशन है तो रिड्यूस करें, मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन से आपका मन ठीक हो जाएगा। एक महीना मेडिटेशन करने का ढोंग करना है, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा और आप अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे। ब्रेन में कुछ ऐसे तत्व और केमिकल होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, और कोई एक मंत्र ओम हो, चाहे गणेश जी का मंत्र हो, माँ दुर्गा का, ओम हनुमते नमः, जो भी आप बोलते हैं उसका सीधा संबंध आपका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से सीधा आपकी जो ऊर्जा श्वास है प्राणायाम है, वो सीधा एक लेयर बनाती है, आपको दिखाई नहीं देती, जैसे कि टावर, एक आदमी दिल्ली बैठा है या एक अमेरिका, अमेरिका से और दिल्ली वाले की बात हो रही है फोन पर, हाँ जी हेलो बात हो रही है, तो वो क्या है, वो कनेक्टिविटी है। इसी तरह से ब्रह्मांड से आप जुड़ते हैं तो आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और मन, दो ही दो रोग हैं संसार में, शारीरिक और मानसिक, और तीसरा है आगंतुज, आप जा रहे हैं फिसल गए केले के छिलके से, हड्डी टूट गई, ये आगंतुज है, ये मानसिक और शारीरिक रोग नहीं है।
तो मन को स्वस्थ रखना। कारण क्या है कि आपके छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है और मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन का इलाज कीजिए, यही है सबसे अच्छी तरकीब। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।